हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है। अगर आप एक फ्री फायर लवर है और अपने पीसी में आप फ्री फायर खेलना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ एमुलेटर, बट आप खेल नहीं पा रहे क्योंकि यार आपके पास उतना सिस्टम ही रिक्वायरमेंट नहीं है। भैया हमारे पास तो एक लोन पीसी है। तो भैया यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है, भैया डरने की क्या बात है। तो वेल गाइस, यहाँ पर मैं आप 10 एमुलेटर लेके आया हूँ जो कि आपके लोन पीसी लैपटॉप पे मक्खन जैसे चलने वाले हैं। आपको जानना है कि भैया कौन से 10 एमुलेटर है, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। बिना टाइम वेस्ट किए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला एमुलेटर निकल के आता है, उस एमुलेटर का नाम है ENT एंड एमुलेटर। एमुलेटर को इंस्टॉल करना काफी इजी है, सिंपली आपको सिंपल वन क्लिक इंस्टॉलेशन है एंड इसका लैंग्वेज भी आप काफी आसानी तरीके से चेंज कर सकते हो। इस इंटरफेस है एमुलेटर का एंड यहाँ पर जो लोग लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं सिंपली आपको सेटिंग्स पे आ जाना है, ये सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है एंड आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंग्लिश दिखा रहेगा, सिंपली आपको ये इस वाले कॉर्नर पर दबाना है एंड इसे रिस्टार्ट कर लेना है। एंड अब जो आपका एमुलेटर का वो लैंग्वेज रहेगा वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों इस एमुलेटर की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि ये एमुलेटर आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप ऑटो कॉन्फिग कर लेता है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर अल्ट्रा वाइड रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन है जो कि अगर आपके पास हाई एंड पीसी है तो ही जाके इसे आप करना, वरना अगर आपके पास 2 GB रैम है तो भैया मत करना, ठीक है। और वैसे और कुछ तो इसमें करना नहीं है, आपको प्री कन्फिग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भैया इस एमुलेटर में हम गेम कैसे इंस्टॉल करें। काफ़ी सिंपल है, आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है, सिंपली आपको OBB+APK का आपको सिंपली एक फाइल में दे दूंगा, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड आपका जो गेम है फ्री फायर का वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, आपको गूगल प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर से और भी सारे गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हो, प्री की मैपिंग देखने को मिल जाता है, गेम है वो काफी ओपी चल रहा है एंड यहाँ पर अपने को कोई भी लैगनेस देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे एमुलेटर रहते हैं जिसमें आप जब आप पैराशूट से लैंड करते हो तो आपका जो ग्राफिक्स रहता है वो पूरा ब्लर हो जाता है, तो इसमें मेरे को वो इशू देखने को नहीं मिला। काफी अच्छा एमुलेटर है दोस्तों, अगर आपके पास 1 या 2 GB रैम वाला पीसी या लैपटॉप है उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है तो एंट एमुलेटर जरूर से ट्राई करना, काफी मजा आने वाला है। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड एमुलेटर के ऊपर। वेल गाइस, जो मेरा सेकंड एमुलेटर निकल के आता है उस एमुलेटर का नाम है स्मार्ट गागा। स्मार्ट गागा की बात करें तो भैया आपके फ्री फायर के लिए वन ऑफ द बेस्ट एमुलेटर निकल के आता है, क्योंकि इस एमुलेटर में आपको YT एनेबल करने का कोई झंझट नहीं। इट्स मीन अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो भी ये एमुलेटर काफी मक्खन जैसा आपके पीसी लैपटॉप पे चलने वाला है। इस एमुलेटर में भी आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहां से भी फ्री फायर को इंस्टॉल कर सकते हो, उतना मगजमारी क्यों करने का। यहाँ पर आपको मैं APK+OBB का पैक दे रहा हूँ, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड आपका जो फ्री फायर रहेगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके स्मार्ट गागा में। इतना मिनट में हमारा जो फ्री फायर है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड कोई भी OBB कॉपी पेस्ट करने का झंझट नहीं। एंड इस सिमुलेटर में भी आपको कुछ भी सेटिंग्स करने का जरूरत नहीं, ये एमुलेटर आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप ही ऑटो कॉन्फिग कर लेगा। एंड वेल गाइस, सच बताऊं तो काफी अमेजिंग एमुलेटर है अब तक का। इस एमुलेटर में भी आपको प्री की मैपिंग देखने को मिल जाता है एंड काफी जो एमुलेटर है दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट एमुलेटर है फ्री फायर के लिए। अगर आपके पास 1 GB रैम या 2 GB रैम है तो स्मार्ट गागा सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ। जो ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलता है वो काफी ओपी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो आपका माउस है वो आप कंट्रोल से अनलॉक या लॉक कर सकते हो, सेंसिटिविटी है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो वेल गाइस, अगर आपको स्मार्ट गागा का ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है तो देर किस बात की, मेरे वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस एमुलेटर का जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड एमुलेटर। जो हमारा थर्ड एमुलेटर निकल के आता है उस एमुलेटर का नाम है LD प्लेयर लाइट। यहाँ दोस्तों एक लाइटर वर्जन है LD प्लेयर का, आपके 2 GB रैम है और ग्राफिक कार्ड के नाम पे घटा कुछ नहीं है, तो भैया LD प्लेयर लाइट के लिए काफी ओपी एमुलेटर होने वाला है। इस LD प्लेयर लाइटर एमुलेटर का कुछ इस तरह से इंटरफेस रहता है एंड LD प्लेयर के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि भैया LD प्लेयर एमुलेटर वन ऑफ द बेस्ट एमुलेटर पे आता है। तो वेल गाइस, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में बता दूँ, यहाँ पर आपको कोई सेटिंग्स करने का जरूरत नहीं है, ये एमुलेटर ऑटो डिटेक्ट कर लेता है आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड ऑटो कॉन्फिग कर लेता है। तो वेल गाइस, काफ़ी ओपी एमुलेटर है। इस एमुलेटर में भी अगर आप गेम इंस्टॉल करना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो फ्री फायर का APK सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस आपका जो गेम रहेगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, ये इजी टू यूज है। सिमुलेटर में आपको एडवांस की मैपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस टाइप का भी आपको की मैपिंग करना है। पर आपको माउस सेंसिटिविटी का भी कोई इश्यू देखने को नहीं मिलने वाला है एंड इस एमुलेटर में जो आपका गेम है फ्री फायर वो काफी मक्खन जैसा चलने वाला है। गेम चालू हो चुका है एंड ग्राफिक्स क्वालिटी में यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलेगा,
और एक बात दोस्तों कि काफ़ी सारे यूज़र को एलडी प्लेयर में ब्लैक स्क्रीन का इशू आता है, तो ये अगर आप एलडी प्लेयर लाइट यूज़ करते हो तो आपको ब्लैक स्क्रीन का भी इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छा है मिलिट्री, ज़रूर से इसे एक बार ट्राई करना। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं वाइल्ड लैंडिंग हमें काफ़ी सारे एमुलेटर में ग्राफिक ब्लर का इशू देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमको वो इशू देखने को नहीं मिलता है। आपको ये एमुलेटर इंस्टॉल करना है तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एमुलेटर। हमारा फोर्थ एमुलेटर निकल के आता है, उस एमुलेटर का नाम है लीपट्रॉइड। एंड लीपट्रॉइड की बात करें तो भैया अगर आपके पास 2GB रैम है और सिंगल कोर का प्रोसेसर है तो भैया लीपट्रॉइड सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। चूंकि ये एमुलेटर काफ़ी सिंपल इंटरफेस के साथ आता है एंड एमुलेटर आपके लो एंड पीसी के लिए काफ़ी हाईली ऑप्टिमाइज्ड है। इस एमुलेटर में बाय डिफॉल्ट आपको प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है, उतना मगजमारी नहीं करना है तो सिंपली आपको ये APK में फाइल दे दूंगा, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना एंड आपका जो गेम रहेगा वो बस विद इन अ मिनट ही आपके एमुलेटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको कस्टमाइज की मैपिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर आपको अपना माउस को अनलॉक करना है तो सिंपली आपको राइट क्लिक दबाना एंड आपका जो माउस रहेगा वो कर्सर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर अपने को काफी OP ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर हमारा गेम रत्ती भर भी लैग नहीं हो रहा है। तो वेल गाइस, अगर आपको इस एमुलेटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको मेरे वेबसाइट पे, वहां से आप इस एमुलेटर को जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एमुलेटर की ओर। फिफ्थ एमुलेटर निकल के आता है, उस एमुलेटर का नाम है KO प्लेयर। यदि आप KO प्लेयर को इंस्टॉल करोगे तो ये आपको ऑप्शन जरूर से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप गलती से भी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक मत कर देना, आपको स्पीड मोड पे क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास 2GB रैम है और CPU डुअल कोर है तो उसको स्पीड मोड सेलेक्ट करना है। सबसे पावरफुल एंड्रॉइड एमुलेटर निकल के आता है, इंटरफेस है वो काफी सिंपल इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड इस एमुलेटर की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, ये खासकर लो एंड PC के लिए भी अच्छा हाईली ऑप्टिमाइज एमुलेटर है। अगर आपके पास 2GB रैम है और डुअल कोर का प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के नाम पर घंटा कुछ भी नहीं है तो KO प्लेयर सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। इस सिमुलेटर में आपको प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा फीचर इसमें मेरे को देखने को मिला है। एंड इस सिमुलेटर की बात करें तो इसमें आपको YT एनेबल करने का कोई भी झंझट नहीं है। सिमुलेटर को जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना Google Gmail से साइन इन हो जाना है। अच्छी बात मेरे को ये लगती है दोस्तों कि ये सिमुलेटर अपने आप ऑटो कॉन्फिग कर लेता है, आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी सेटिंग्स करने का जरूरत नहीं है। फ्री फायर कैसे इंस्टॉल करना है उसमें आप बाय डिफॉल्ट कहीं से भी कोई थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से डाउन इंस्टॉल कर सकते हैं, बट सिंपल वे इंस्टॉल करने का यहाँ पर मैं APK और OBB दे दे रहा हूँ। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड आपका जो फ्री फायर है वो विद इन अ मिनट है आपके एमुलेटर में इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज की मैपिंग कर सकते हो, तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको माउस लॉक और अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है, कस्टमाइज की मैपिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो अपने हिसाब से जो आपको सही की मैपिंग लगे वो आप कर सकते हैं। एंड वेल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेम चालू हो चुका है एंड काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी OP यहाँ पर हमारा गेम चल रहा है। आपको ये एमुलेटर अच्छा लगता है और इस एमुलेटर को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ एमुलेटर के ऊपर। सिक्स्थ एमुलेटर निकल के आता है, उस एमुलेटर का नाम है Droid 4X। एंड बल्कि इस Droid 4X की बात करें तो अगर आपके पास 1GB रैम वाला PC या लैपटॉप है और फिर कार्ड के नाम पे घंटा कुछ भी नहीं है तो Droid 4X सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये एमुलेटर आपके लो एंड PC के लिए काफ़ी हाईली ऑप्टिमाइज है। एंड इस एमुलेटर पे आप फ्री फायर विदाउट लैग विदाउट किसी इशू के खेल सकते हो। एमुलेटर का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है एज यूजुअली, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड अब तक का सबसे लाइटर वर्जन है भैया Droid 4X, ऑल प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है। एंड इस एमुलेटर में दोस्तों आपको प्री कॉन्फिग सिस्टम रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही सब कुछ सेट हो चुका है मेरे सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर है और 1GB रैम है तो Droid 4X एमुलेटर सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। एंड अगर आपको फ्री फायर इंस्टॉल करना है तो सिंपली आप शेयर फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं OBB और APK, यानी APK प्लस OBB फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ APK इंस्टॉलर पे जाना है, कहीं भी आपने वो फ्री फायर वाला कहीं भी आपने वो APK इंस्टॉल करके रखा है सिंपली आपको सेलेक्ट करना है एंड आपका गेम जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ये एमुलेटर अब तक का सबसे बेस्ट एमुलेटर है, में भी आप
कस्टमाइज की मैपिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड वेल गाइस, जिसकी आप देख सकते हैं हमारा काफी स्मूथ चल रहा है इस सिमुलेटर पे। तो अगर आपका मन भी कर रहा है इस सिमुलेटर को इंस्टॉल करने का, तो क्यों रुके हुए, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके सिमुलेटर को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेवंथ सिमुलेटर के ऊपर। तो हमारा सेवंथ सिमुलेटर निकल के आता है, उस सिमुलेटर का नाम है XE प्लेयर। एंड दोस्तों, XE प्लेयर की बात करें, काफी हाईली ऑप्टिमाइज है आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए। अगर आपके पास 2GB रैम है और 512MB ग्राफिक कार्ड है और डुअल कोर का प्रोसेसर है, तो भैया XE प्लेयर सिर्फ आप ही के लिए। क्योंकि इस सिमुलेटर में आपको ऑटो कॉन्फ़िग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इट्स मीन आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सिमुलेटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। यहाँ आप जैसे कि एडवांस में देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सिमुलेटर ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट कर लिया है। सिमुलेटर में भी आपको डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है, बट इस सिमुलेटर में आपको गेम को इंस्टॉल करना रहेगा। गेम इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ पर APK प्लस OBB को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर उतना झोलझाल नहीं लेना है भैया, तो सिंपली आपको यहाँ पर APK प्लस OBB का मैंने फाइल दे दिया है। सिंपली आपको उस पैक फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड आपका जो गेम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। वो कस्टमाइज की मैपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इट्स मीन आप अपने हिसाब से की मैपिंग कर सकते हो। एनी सिमुलेटर का गेम प्ले आप जैसे कि देख सकते हैं, कोई लैगनेस कोई इशू अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर अपने को बेस्ट ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल रहा है। आपको जो माउस कर्सर का जो इशू होता है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका मन कर रहा है सिमुलेटर को इंस्टॉल करने का, तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप सिमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th सिमुलेटर के ऊपर। 8th सिमुलेटर निकल के आता है, उस सिमुलेटर का नाम है मोमो प्लेयर। जब आप मोमो प्लेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, तो वो कुछ चाइनीज लैंग्वेज दिखाएगा। सिंपली आपको सेटिंग्स पे आ जाना है, यहाँ पर आपको एडवांस पे आ जाना है, ये सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड यहाँ से आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और रीसेव करके रीस्टार्ट कर देना है। तो आपका जो चाइनीज लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लेयर की बात करें, तो भैया वन ऑफ द बेस्ट इम्यूलेटर है लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए। अगर आपके पास 2GB रैम है और ग्राफिक कार्ड के नाम पर घंटा कुछ भी नहीं है, तो भैया मोमो प्लेयर सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस इम्यूलेटर में आपको ऑटो कॉन्फ़िग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप कस्टमाइज कॉन्फ़िग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आप रिकमेंडेड में खेलेंगे तो ही आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। फिर में भी आपको डिफॉल्ट प्ले स्टोर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सेम प्रोसीजर ट्राई करोगे, फ्री फायर के पैक को यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड आपका जो गेम रहेगा वो विद इन अ मिनट आपके इम्यूलेटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। इस इम्यूलेटर में भी आपको कस्टमाइज की मैपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो जो आपको सुटेबल लगे वो की मैपिंग आप कर सकते हैं। एनी सिमुलेटर में मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें आपको माउस अनलॉक एंड लॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो अपने को माउस वाला जो इशू होता है, कर्सर वाला, वो इस एमुलेटर में देखने को नहीं मिलने वाला है। में जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों, वो काफी स्मूथ होने वाला है, इशू देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अपने को यहाँ पर ग्राफिक क्वालिटी भी काफी बेस्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका मन मान रहा है इस एमुलेटर को इंस्टॉल करने का, तो भैया देर की इस बात के, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस एमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हो। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th एमुलेटर के ऊपर। 9th एमुलेटर निकल के आता है, उस एमुलेटर का नाम है गरीना स्मार्ट 3.0। स्मार्ट 3.0 की बात करें, तो ये खास कर सिर्फ फ्री फायर के लिए ही ये एमुलेटर को डेवलप किया गया है। एमुलेटर की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि इस एमुलेटर में आपको फ्री फायर इंस्टॉल करने का कोई भी नीड नहीं है। इस एमुलेटर में आपको प्री इंस्टॉल फ्री फायर का वर्जन देखने को मिल जाएगा। एंड इस एमुलेटर में भी आपको ऑटो कॉन्फिग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपके पास 1GB रैम है या 2GB रैम है और ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, इतना स्मार्ट 3.0 एमुलेटर को आपको जरूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ये एमुलेटर में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं, इस एमुलेटर में हमें एडवांस की मैपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड अपने हिसाब से आप ये मैपिंग को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर स्मूथ रन कर रहा है एंड अपने को ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। वाइल्ड लैंडिंग जो हमें ग्राफिक्स ब्लर का इशू देखने को मिलता था, वो इस एमुलेटर में देखने को नहीं मिलता। अच्छा एमुलेटर है फ्री फायर के लिए, आपको जरूर से एक बार इसमें ट्राई करना चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सिमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे 10th सिमुलेटर के ऊपर। हमारा 10th सिमुलेटर निकल के आता है, उस सिमुलेटर का नाम है MSI ऐप प्लेयर। MSI प्लेयर की बात करें, तो भैया ये टॉप सिमुलेटर्स में आता है एंड आपके लो एंड पीसी के लिए काफी सुटेबल सिमुलेटर है। अगर आप पे फ्री फायर लैग करता है या आप में फ्री फायर चल नहीं पाता है,
चुकली इस सिमुलेटर में भी आपको ऑटो कॉन्फिग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड ये सिमुलेटर आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके सेटिंग्स को कॉन्फिग कर देगा एंड यहाँ पर आपको कोई नीड नहीं है ग्राफिक कार्ड्स का। टुडे यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाता है जिम को काफी स्मूथली यहाँ पर रन करता है एंड यहाँ पर आपको प्रीसेट की मैपिंग देखने को मिल जाता है, कोई भी की मैपिंग करने का यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेम काफी ओपी चल रहा है एंड यहाँ पर हमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा। मन कर रहा है इस सिमुलेटर को इंस्टॉल करने का तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप इस सिमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ 10 इमुलेटर थे आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि इन इमुलेटर में से आपको जरूर से एक इमुलेटर पसंद आएगा। नीचे कमेंट से कमेंट करना कि आप कौन सा इमुलेटर इंस्टॉल करने वाले हो। अगर आपको इनमें से कोई भी इमुलेटर इंस्टॉल करना तो मैं फिर बता दे रहा हूँ इन सभी इमुलेटर का लिंक आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से आप जाके इन सभी इमुलेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो फ्री फायर खेलते हैं अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप पे। एक और ऐसी वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक ले जय हिंद जय भारत।